और चले बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक दिवसीय जोधपुर दौरा, सुबह 10 बजे पहुंचेंगे जोधपुर और जोधपुर में एम्स के चौथे दीक्षांत समारोह में वो हिस्सा लेंगे। जोधपुर कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। वीसी के जरिए कई कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया जाएगा और 4 बजे का वक्त रहेगा जब वापस जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। मुकुल मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। मुकुल, क्या है पूरा कार्यक्रम? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो आज एक दिन से जोधपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां करीब सुबह 10:15 बजे वो जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से जो है वो जोधपुर एम्स के लिए रवाना होंगे, जहां एम्स का चौथा जो दीक्षांत समारोह है उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद में मुख्यमंत्री का कुछ समय रिजर्व रखा गया है और उसके बाद 2 बजे के करीब वो जिला कलेक्टर कार्यालय में जो प्रशासनिक अधिकारी है संभाग करके उनकी आवश्यक बैठक, यहाँ उसके बाद में मुख्यमंत्री जो जोधपुर मेडिकल कॉलेज के सभागार में भाजपा के कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे और वापस आज जो है 4:15 बजे वापस जयपुर के लिए भी प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। क्या सौगात आज देने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि कई कार्यों को लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो एम्स के अंदर जो वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे, जहाँ जैसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख मांडविया भी इसमें रहेंगे और इसमें जो विभिन्न जो एम्स हैं जो भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें विभिन्न एम्स जो लोकार्पण कार्यक्रम होंगे उनकी सौगात जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसमें मौजूद रहेंगे और इस वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में उनकी शिरकत करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका मुकुल तमाम जानकारी के लिए।